पिताजी आप दुखी मत होइए, आज से आप काम करने नहीं जाएंगे। लेकिन बेटा, यदि मैं काम नहीं करूंगा तो हमारा घर कैसे चलेगा? पिताजी आज से मैं काम करूंगा। लेकिन बेटा, तुम काम क्या करोगे? आसपास तो यहाँ पर कोई काम नहीं है। पिताजी मैं किसी दूसरे नगर में जाता हूँ, हो सकता है वहाँ पर कोई काम मिल जाए। अच्छा ठीक है पिताजी, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर रमेश एक पोटली में खाना बांधकर जंगल की तरफ निकल पड़ता है। रमेश के चेहरे पर एक नीले रंग का चिन्ह था। रमेश चलते चलते एक जंगल से गुजरता है, तभी उसकी नजर एक भैंस पर पड़ती है। जो भैंस एक दलदल के अंदर फंसी होती है, वह भैंस गर्भ से थी, इसकी वजह से वह बाहर नहीं निकल पा रही थी। अरे राम 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 राम, ये बेचारी भैंस तो इस दलदल के अंदर फंस गई है, चलो इसे बाहर निकाल देता हूँ। इतना सोचकर रमेश भैंस को दलदल से बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ता है। अरे भैंस तो काफी अंदर फंसी हुई है, क्या करूं, कैसे निकालूं इस भैंस को? हाँ ये ठीक रहेगा। अरे भैंस, तुम इस डंडे को अपने मुंह से पकड़ लो, मैं तुम्हें बाहर खींच लेता हूँ। इतना सुनते ही भैंस जल्दी से उस डंडे को अपने मुंह से पकड़ लेती है। रमेश तुरंत ही उस भैंस को दलदल से बाहर खींच लेता है। मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भैंस की आवाज़ सुनकर रमेश अपने रास्ते चला जाता है। उसके बाद वह भैंस भी अपने रास्ते चली जाती है। कुछ महीनों बाद ही उस भैंस ने एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चा जब भी दूसरे बच्चों के पास खेलने के लिए जाता है तो वह सारे बच्चे उसे अपने साथ खेलने नहीं देते हैं। अरे जाजा, तू हमारे साथ नहीं खेल सकता क्योंकि तू एक इंसान का बच्चा है, चल भाग यहाँ से, नहीं तो हम तुझे मार डालेंगे। उन लोगों की यह बात सुनकर बच्चा बड़ा ही दुखी होता है। उसके बाद वह अपनी माता के पास जाता है और सारी कहानी अपनी माता को बताता है। माँ, अब मैं उन लोगों के पास खेलने नहीं जाऊँगा, मुझे मेरे पिता के पास जाना है। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, यदि ऐसी बात है तो हम तुम्हारे पिता को जरूर ढूंढेंगे। फिर वह दोनों माँ बेटे अलग अलग दिशाओं में निकल पड़ते हैं। कुछ दूर चलने के बाद एक नगर आता है। अरे वाह, यहाँ पर तो एक नगर है। मैं ऐसा करता हूँ, अपना रूप बदल लेता हूँ, उसके बाद नगर के अंदर प्रवेश करता हूँ। इतना सोचकर वह अपना रूप एक इंसानी बच्चे में बदल कर नगर के अंदर प्रवेश कर जाता है। उसे नगर में घूमते घूमते सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन वह अपने पिता को ढूंढ नहीं पाता है। अगले ही दिन फिर से वह दोनों माँ बेटे किसी दूसरे नगर में जाते हैं और पहले की तरह ही वह दोनों भिन्न भिन्न दिशाओं में चले जाते हैं। उस दिन भी वह लड़का पूरा नगर घूमता है, लेकिन उसके पिता का कोई भी पता नहीं चल पाता है। हे भगवान, इतने दिनों से मैं अपने पिता को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मेरे पिता का कोई पता नहीं है। इतना सोचकर वह लड़का वहीं पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। तभी उधर से रमेश गुजरता है। अरे ये रोने की आवाज किसकी है? रमेश अपने आसपास देखता है तो उसे वही लड़का रोता हुआ दिखाई देता है। तो रमेश तुरंत उसके पास जाता है। क्या बात है बेटा, तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हें क्या तकलीफ है? जैसे ही लड़के ने रमेश को देखा तो वह हैरानी में पड़ जाता है, क्योंकि जो चिन्ह उस लड़के के ऊपर बना हुआ था वही चिन्ह रमेश के चेहरे पर भी बना हुआ था। पिताजी, मैं इतने दिनों से आपको ही ढूंढ रहा था, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? लेकिन बेटा, मैं आपको तो जानता ही नहीं, फिर तुम मुझे पिता कहकर क्यों बुला रही हो? अभी तो मेरा विवाह तक नहीं हुआ, तो तुम मेरे पुत्र कैसे हो सकते हो? नहीं पिताजी, मैं आपका ही पुत्र हूँ,
आप मेरी माँ के पास चलिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। बच्चे के बार बार बोलने पर रमेश उस बच्चे के पीछे पीछे चला जाता है। अच्छा ठीक है बेटा, बताओ तुम्हारी माँ कहाँ है? पिताजी मेरी माँ भी आती ही होगी, लेकिन पिताजी याद रखना, जब मेरी माँ मुझे आपके साथ देखेगी तो वो आपके ऊपर प्रहार करेंगी, लेकिन आपको डरना नहीं है। जैसे ही वो आपके ऊपर प्रहार करेंगे तो आप उनके सींग पकड़ लेना, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बच्चे की यह सारी बातें सुनकर रमेश थोड़ा हैरत में पड़ जाता है। तभी वहाँ पर वह भैंस भी आ जाती है, और जैसे ही वह भैंस अपने बेटे को उस युवक के साथ देखती है तो वह रमेश की ओर उसे मारने के लिए दौड़ पड़ती है। तभी रमेश उस भैंस के दोनों सींग पकड़ लेता है। सींग पकड़ते ही वह भैंस एक सुंदर स्त्री में बदल जाती है। यह देख कर रमेश हैरान रह जाता है, क्योंकि रमेश ने अपने पूरे जीवन में कभी भी इतनी सुंदर स्त्री नहीं देखी थी। क्या हुआ पिताजी, आप कहाँ खो गए? पिताजी यही मेरी माता है। अजी चलिए ना, आप हमें अपने घर नहीं ले चलेंगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो हमारे साथ। इतना कहकर रमेश उन दोनों को भी अपने साथ अपने घर ले जाता है और सारी कहानी अपने माता पिता को बताता है। तो उसके माता पिता उन दोनों को अपने पोते और बहू के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। अरे आप सुनिए ना, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ मोहिनी, आप मुझसे क्या कहना चाहती हैं? मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ, यदि आप मुझसे कभी भी गुस्सा हो जाएं, तो मुझे किसी भी नुकीली चीज या कोई जलती हुई चीज से मत मारना, नहीं तो मैं हमेशा के लिए तुमसे दूर चली जाऊंगी। अरे नहीं नहीं मोहिनी, मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगा। बेटा अब तो तेरी घर बस गई है, अब हम दोनों तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है पिताजी, आप दोनों जल्द ही लौट कर आ जाना। इतना कहकर रमेश के माता पिता वहाँ से चले जाते हैं। अच्छा ठीक है मोहिनी, तुम अपना ख्याल रखना, अब मैं भी अपने काम पर जा रहा हूँ। फिर रमेश भी अपने काम पर चला जाता है। इसी प्रकार काफी दिन गुजर जाते हैं। एक दिन की बात है, रमेश अपनी पत्नी से किसी बात को लेकर गुस्सा हो जाता है। अरे दुष्ट, तू घर में पड़े पड़े क्या करती है? तू मेरे लिए एक समय का खाना भी नहीं बना सकती? रुक, आज मैं तुझे मजा चखाता हूँ। इतना कहते ही रमेश आग से जलती हुई एक लकड़ी उठाता है और उन दोनों की तरफ बढ़ता है। अरे रे रे, मैंने ये क्या किया? अरे मोहिनी तुम कहाँ चली गई हो? भगवान अब मैं क्या करूं, कहां ढूंढूं अपनी पत्नी और बच्चे को? सुबह होते ही रमेश के माता पिता भी तीर्थ यात्रा से वापस आ जाते हैं। अरे बेटा शाम कहीं नजर नहीं आ रहा और ना ही हमारी बहू नजर आ रही है। माँ अब तुम्हारी बहू और पोता कभी लौट कर नहीं आएगी। लेकिन बेटा हुआ क्या, आखिर वो दोनों कहाँ गए हैं? फिर रमेश सारी कहानी अपने माता पिता को बताता है। लेकिन बेटा तुमने ऐसा क्यों किया, जबकि बहू ने तुम्हें पहले ही समझाया था कि तुम उसे किसी भी वस्तु से पीटना, लेकिन कभी उसे चलती हुई वस्तु या नुकीली वस्तु से मत मारना, नहीं तो वो हमेशा हमेशा के लिए चली जाएंगी, और तुमने वही किया। पिताजी मैं क्या करूं, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, मैंने आवेश में आकर ये गलत कदम उठा लिया, मुझे माफ कर दो पिताजी, मुझे माफ कर दो। बेटा तुम दुखी मत हो, तुम जाकर देखाओ, हो सकता है वह दोनों तुम्हें कहीं मिल जाएं। यदि ऐसी बात है माँ तो मैं जरूर अपनी पत्नी और बच्चे को ढूंढ कर लाऊंगा। माँ मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं उन दोनों को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन यदि मैं वापस लौट कर ना आऊँ तो मेरा हाल खबर लेने के लिए मिठवोली को भेज देना, और मिठवोली मेरी कोई भी चीज उठा कर लाएगी तो तुम उसे एक जगह पर रख देना, और उसके पास एक दीपक जलाकर रख देना, और तीन बार बोलना
ए नीले निशान वाले आदमी, ये दीपक तेरे लिए ही जल रहा है। इतना बोलकर रमेश जंगल की तरफ निकल पड़ता है। पता नहीं वो दोनों कहाँ चले गए हैं। भगवान मुझे उन दोनों से मिला दे। तभी रमेश ने देखा एक भैंसों का झुंड घास चर रहा है। उस झुंड के कुछ दूर पर ही एक भैंस और उसका बच्चा खड़े हुए हैं। मुझे लगता है ये दोनों ही मेरे पत्नी और पुत्र हैं। चलो उनके पास चलता हूँ। इतना सोचकर रमेश जल्दी से उन दोनों के करीब जाता है। श्याम मेरे बेटे, देखो मैं तुम्हें लेने के लिए आ गया हूँ। अपने पिता को वहाँ पर देखकर वह बच्चा बड़ा ही खुश हो जाता है। मोहिनी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की। चलो मेरे साथ घर वापस चलो। नहीं जी, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। लेकिन तुम मेरे साथ अब वापस क्यों नहीं चल सकती? अब मेरे सरदार मुझे कहीं भी जाने की इजाज़त नहीं दे सकते। नहीं नहीं मोहिनी, मैं तुम्हें जाने की इजाज़त दे सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। बोलिए आपकी क्या शर्त है, मैं आपकी प्रत्येक शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। शर्त तो यही है कि तुम्हारी आंखों पर एक पट्टी बांधा जाएगी और तुम्हें भैंसों के झुंड में से अपने मोहिनी को पहचानना है। ये प्रक्रिया हम लगातार 3 बार करेंगे। यदि तुमने 3 बार अपनी पत्नी को ही पहचान लिया तो तुम हमेशा के लिए अपनी पत्नी और बच्चे को ले जा सकते हो, और यदि नहीं पहचान पाए तो तुम्हें इन्हीं भैंसों के झुंड से कुचला दिया जाएगा। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। इतना सुनते ही भैंसों का सरदार वहाँ से दूर चला जाता है। अजी मैं जो कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। पहली बार जब तुम मुझे पहचानोगे तो मैं अपनी एक टांग उठा लूँगी तो तुम समझ जाना कि वो मैं हूँ, और दूसरी बार मैं अपने सिर को 2 बार हिलाऊंगी, और तीसरी बार मैं अपने कान को 3 बार हिलाऊंगी तो तुम समझ जाना कि वह मैं हूँ। सारी भैंसे झुंड बनाकर खड़ी हो जाती हैं और रमेश की आंखों पर एक कपड़े की पट्टी बांध दी जाती है। प्रतियोगिता शुरू की जाए। इतना सुनकर रमेश अपनी पत्नी को पहचानने के लिए आगे बढ़ता है। रमेश वैसा ही करता है जैसा उसकी पत्नी ने बताया था। रमेश सारी भैंसों के पैर छूता है। वह भैंसों के पैर छूते छूते अपनी पत्नी के पास पहुंच जाता है। रमेश जैसे ही अपनी पत्नी के पैर को हाथ लगाता है तो उसकी पत्नी अपने पैर को ऊपर उठा लेती है। रमेश अपनी पत्नी के इशारे को समझ गया। सरदार यही मेरी पत्नी है। अच्छा अच्छा ठीक है, अब तुम्हें 2 बार और अपनी पत्नी को पहचानना है। सभी लोग अपना अपना स्थान बदल दो। सरदार का आदेश होते ही सारी भैंसे अपना अपना स्थान बदल देती हैं। रमेश फिर से अपनी पत्नी को पहचानने के लिए सारी भैंसों को सिर को छूने लगता है। छूते छूते वह जल्दी ही अपनी पत्नी के पास भी पहुंच जाता है। जैसे ही रमेश उसके सिर को छूता है तो वह अपने सिर को 2 बार हिला देती है। सरदार ये ही मेरी पत्नी है। बहुत बढ़िया, अब तुम्हें अंतिम बार और अपनी पत्नी को पहचानना है। इस बार फिर से सारी भैंसों ने अपने अपने स्थान को बदल लिया। रमेश फिर से अपनी पत्नी को पहचानने के लिए सारी भैंसों के कानों को छूने लगता है। रमेश ने मुश्किल से 2-4 भैंसों के कान ही छू पाए थे। तभी एक मधुमक्खी उड़ती हुई आती है और भैंस के कान पर बैठ जाती है, तो उस भैंस ने अपना कान हिला दिया। रमेश को लगा कि यही उसकी पत्नी है। सरदार यही मेरी पत्नी है। इस बार तुम्हारा जवाब एकदम गलत है। अरे आओ भैंसों के झुंड, इस दुष्ट को अपने पैरों तले रौंद दो। सरदार का आदेश होते ही सारी भैंसे रमेश को अपने पैरों तले रौंद कर मार देती हैं और वहां से चली जाती हैं। रमेश को गए हुए काफी दिन गुजर जाते हैं। जब रमेश लौटकर वापस घर नहीं आया तो उसके माता पिता को रमेश की चिंता हुई। अरे भाग्यवान, रमेश को तो गए हुए काफी दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं है। वो लौटकर क्यों नहीं आया? कहीं वो
किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया? हाँ जी, आप एकदम ठीक कहते हैं। हमारा बेटा जरूर किसी मुसीबत में फंस गया होगा। अरे मिठ बोली, तुम जाओ और रमेश का पता लगा कर आओ। यदि रमेश की कोई वस्तु भी मिल जाए तो उसे हमारे पास ले आना। इतना सुनकर मिठ बोली चिड़िया वहाँ से निकल पड़ती है। मिठबोली चलते चलते वहीं पर पहुंच जाती है जहां उन भैंसों के झुंड ने रमेश को मार दिया था। अरे ये क्या, ये अंगूठी तो रमेश की ही है, तो इसका मतलब ये हड्डियां भी रमेश की ही हैं। चलो मैं ऐसा करती हूँ, जल्दी से ये अंगूठी और इसमें से एक हड्डी उठा कर ले जाती हूँ। इतना सोच कर मिठबोली जल्दी से उस अंगूठी और एक हड्डी को उठा कर अपने चोंच में दबाती है और वहाँ से उड़ चलती है और जल्दी ही वह अपने घर वापस लौट आती है। हड्डी और अंगूठी को देख कर रमेश की माता बहुत दुखी हो जाती है। भाग्यवान, ये समय असुबहाने का नहीं है। जैसा हमारे बेटे ने कहा था, हमें वैसा ही करना चाहिए। वह दोनों जल्दी से रमेश की अंगूठी तथा उसकी हड्डी को जमीन पर रखते हैं और उसके पास एक दीपक जलाकर रख देते हैं। ए नीले निशान वाले आदमी, यह दीपक तुम्हारे लिए ही जल रहा है। ए नीले निशान वाले आदमी, यह दीपक तुम्हारे लिए ही जल रहा है। ए नीले निशान वाले आदमी, यह दीपक तुम्हारे लिए ही जल रहा है। इतना बोलते ही रमेश फिर से जीवित होकर खड़ा हो जाता है। माँ मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी बहू और पोते को वापस नहीं ला सका। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं बेटा, तुम वापस आ गए, इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए क्या हो सकती है।